किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको होटल स्टाइल में शाही पनीर बड़ी आसानी से घर पर कैसे बनाएं ये सिखाने वाली हूँ। आइए बनाना सीखें। शाही पनीर बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 4 से 5 टमाटर ले लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, 1/2 नींबू ले लेंगे, थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक और थोड़ी सी लहसुन, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटे साइज़ का आलू, खड़े गरम मसाले में 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्ची, गरम मसाला, भुनी हुई कसूरी मेथी, ड्राई फ्रूट्स में आप थोड़ा सा काजू, बादाम और मगज के बीज ले सकते हैं और इसमें से सिर्फ कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम, 1/4 टीस्पून चीनी, थोड़ा सा घी, बटर, दूध, शहद और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। कुकर में हम ग्रेवी बना रहे हैं, इसमें घी डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें हम अपने सारे खड़े गर्म मसाले डाल के 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इन मसालों के साथ हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, जीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप ना चाहें तो ना डालें। हमें मोटे मोटे प्याज काटने हैं, बिल्कुल रफली चॉप्ड करने हैं, हमें इसको कोई बारीक या कोई फिक्स साइज़ नहीं है, इनको मोटा मोटा कटा हुआ है इनको हम डाल लेंगे। लहसुन भी हम साबुत डाल देंगे, अदरक के टुकड़े भी मोटे मोटे काट के डाल देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे, आलू के मोटे मोटे टुकड़े डाल देंगे और इनको 1 मिनट के लिए हिलाएंगे। इनका कोई कलर चेंज नहीं करना है, इसका लहसुन का और प्याज का जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है, इसको हम दूर करना चाह रहे हैं, इतनी सी देर हमको पकाना है। ये देखिए प्याज का हमने कोई कलर चेंज नहीं किया, बस हल्की सी स्मेल जो होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो गई है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर को चलाएंगे, काजू, बादाम और मगज, मैंने तीनों ले लिए हैं इसलिए कि आपको बताना चाह रही हूँ। अगर काजू और बादाम नहीं लेना चाहे तो सिर्फ मगज के बीज ले सकते हैं, सिर्फ काजू ले सकते हैं, सिर्फ बादाम ले सकते हैं, तीनों को मिला के भी ले सकते हैं, तीनों को अलग अलग सिंगल भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप ले लें। अच्छी मात्रा में लेंगे, इनको हम हल्का सा घी में अलग भून लेंगे। आप चाहें तो उन गरम मसालों के साथ भी डाल सकते हैं, इसमें भी हमें काजू का और जो भी ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं उसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्की सी बस घी की खुशबू हो जानी चाहिए, इतना ही हम इसको भुनेंगे। अब इस टमाटर वाले में ही हम इन ड्राई फ्रूट्स को जो हमने भुने हैं अलग से उनको डाल देंगे। इसमें हम अपनी 1/4 टीस्पून शक्कर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें हम अच्छी मात्रा में पानी डाल लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी क्वांटिटी में बने। 3-4 ग्लास पानी हमने डाल दिया। अब इसको हम कुकर की सीटी बजा लेंगे, 4 सीटी बजा लेंगे। 4 सीटी हो गई है, अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसका प्रेशर हम हाथ से नहीं निकालेंगे, अपने आप इसको ठंडा होने देंगे तब हम इसको बाहर निकालेंगे। हमने अपने कुकर को खोल लिया है, हैंड ग्राइंडर से अब इस मसाले को हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं हो तो इसको थोड़ा और ठंडा करके मिक्सी में आप कर सकते हैं इसको बारीक। इससे हमने ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छे से, इसको हम छलनी से 2 से 3 बार छानेंगे, इस तरीके से छान के 3 बार छाने, इस प्रोसेस को आप 3 बार करें। हमने अपनी प्यूरी को 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है, छानने पर इस तरीके का कई बार गूदा निकलता है तो इसको आप फेंके नहीं, इसको आप अपनी घर की दूसरी सब्जी में काम में ले लें। मैंने अपना पनीर फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये मैंने घर पर ही बनाया है और इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका लिंक कि आप घर पर कैसे पनीर बनाएं। इस पनीर को 15 से 20 मिनट तक आप नॉर्मल रखें और अगर बाजार से भी ला रहे हैं तो बाजार का भी लाया हुआ आप नॉर्मल पानी में डाल के इसको 10-15 मिनट रखें ताकि ये अच्छे से आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए और आपकी सब्जी अच्छी बने। अब हम अपना मसाला निकाल लेते हैं।
दो टीस्पून मिर्ची ले ली, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारी सब्जी में अच्छे से कलर आ जाए। कढ़ाई में हमने तेल रख लिया है, तेल की मात्रा देख लें आप, बिल्कुल थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि शाही पनीर में बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रेवी नहीं होती, उस पर ऑयल नहीं दिखता है। और इसको हल्का सा गर्म करेंगे, इसमें हम अपने सूखे मसाले डाल लेंगे और इसको हम एक मिनट चलाएंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम अपनी ये प्यूरी डाल देंगे। अब ये हमारी प्यूरी भी इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा 4 टेबल स्पून करीब दूध डाल देंगे और ग्रेवी को लगातार चलाएंगे। अब हम इसमें अपनी भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इस ग्रेवी में हल्का सा उबाला आ गया है, अब हमारा दूध जो इसमें डाला है वो फटने का कोई चांस नहीं है। और इस ग्रेवी को हम आधे से पौन घंटे तक कम आंच पर गाढ़ी होने तक पकाएंगे। ग्रेवी हो रही है हमारी, तब तक हम पनीर के पीसेस कर लेते हैं। पनीर के पीस आप थोड़े से बड़े ही रखेंगे। हो गए हमारी इस ग्रेवी को बॉईल होते होते, अब इसमें हम अपने बाकी के सामान डाल देते हैं। आधा चम्मच करीब आप इसमें शहद डाल दें, एक चम्मच करीब हम नींबू रस डाल देंगे, क्योंकि होटल वाले स्टाइल में यह थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी लगती है। और अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला डाल देंगे। इस ग्रेवी को आप 4 से 5 दिन रख के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक ग्रेवी तैयार हो गई है। जब आपको सब्जी बनाने का मन हो तब आप इसको फ्रिज से निकालें, गर्म करें और इसमें आप पनीर के टुकड़े डाल दें या मशरूम डाल दें, कोई और भी सब्जी आप इस तरीके से शाही बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये आपकी बेसिक ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से हो गई है, बिल्कुल स्मूथ और अच्छी सी। अब इसमें हम बटर डाल देंगे। अब थोड़ी सी हम क्रीम डाल देंगे। अब इस ग्रेवी में हम अपने पनीर के टुकड़े डाल देते हैं और 2 मिनट तक इसको चलाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इन पनीर के टुकड़ों को इसमें पकने देंगे। हमने अपनी शाही पनीर की प्लेटिंग कर ली है, इसके साथ मैंने लच्छा पराठा बनाया है। आप इसके साथ तंदूरी रोटी, नान, कुलचा, पराठा पूड़ी कुछ भी खा सकते हैं। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए।